फ्रॉम द अवर सिंपल टास्क की लर्निंग, हम कैसे वाटर जो अपनी स्टेजेस को चेंज करता है उसको हम कैसे सीख सकते हैं। जैसे कि जो आइस है, आइस को जो हम गर्म करते हैं और हीटिंग करते हैं तो आइस इसमें चेंज हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाती है और वाटर में चेंज हो जाएगी। वाटर है, जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा जब स्टीम आती है उसमें से क्या निकलती है, स्टीम। तो वो स्टीम को क्या बोल सकते हैं, वाटर वेपर। एंड वाटर वेपर को जब ठंडा होने से आपने देखा होगा किसी कंटेनर में या बाउल में हम जब वो वाटर बॉइल हो रहा होता है तो उसमें से जो स्टीम निकलती है और जो प्लेट होती है उसमें वाटर ड्रॉप के फॉर्म में कलेक्ट होकर तो वाटर वेपर किसमें चेंज हो जाती है, वाटर। वाटर नेक्स्ट है वाटर ऑन कूलिंग। जब हम वाटर को फ्रिज में कूल करने के लिए ठंडा करने के लिए रखते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है, आइस। आइस तो ये सारा ये वाटर